So what makes the Patan Patola so famous? This silk is the only one of its kind in the world. While in most cases cloth is woven with intricate designs on looms, in the case of Patan's Patola, the designs are on the thread itself. A complex method of tying and dyeing is used directly on the thread, a process popularly known as ikat. Mathematical precision is used to ensure that all designs mesh together when woven. While the ikat is an art famous across Odisha and Telangana, what makes the Patan Patola stand out is that the tie and dye process on the thread is used for both the warp and the weft, a skill that hasn't been replicated anywhere else. In Baroda, 200 kilometers from Patan, Kanubhai Salvi, one of the other few Salvis still in the business of keeping the Patan Patola art alive, explains the process. It is complex, and he tells us that the process of transforming this yarn to the Patan Patola sari can take over a year, and up to 25 complex processes that need many hands. It all starts with the yarn, where each thread is counted and tied according to designs that have been passed on for hundreds of years. पाटन पटोला का जो हर एक प्रोसेस है दूसरी जगह पे जो पटोला बनता है या सिंगल इकत हो या डबल इकत हो लेकिन हर एक कॉर्नर से हर एक प्रोसेस में देखे जाए तो इट इज़ वेरी डिफरेंट पटोला का पर्टिकुलर लूम्स के बारे में मैं बोलूँ तो इसका जो लूम्स है इट इज़ द ओनली काइंड ऑफ लूम इन द हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इट इज़ इंक्लाइन एंड डिक्लाइन देर इज़ नो पैडल बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर peculiarity that at the time of weaving that should be a effective light master weaver is weaving then he can recognize the full complete design setting thread from upside to downside second weaving of process is such like that that we have to insert the V that is the main instrument of the loom so we have to insert the V and pull it also पटोला का प्रोसेस जो हर जगह पे साड़ियाँ बनती है या पटोला बनता है उससे यूनिक ऐसा है कि इसका जो थ्रेड हम पहले से सिलेक्ट करते हैं वही यूनिक होता है ये सिल्क थ्रेड सिलेक्ट करने के बाद उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको प्लाई लेना पड़ता है 6 ply, 8 ply या जो भी कुछ डिज़ाइन के हिसाब से प्लाई लेते हैं इसके बाद उसका जो गमिंग है वो निकाल देते हैं डेट इज कॉल्ड उसमड़ा तो सिल्क उससे पक्का हो जाता है पक्का होने से क्या होता है और दूसरा पक्का होने के बाद सिल्क को हम हैंड ट्विस्ट करते हैं ये हैंडलूम हैंड ट्विस्ट होता है इसी उसका जो स्ट्रेंथ है तो बहुत बढ़ जाता है और दूसरी बात है उसका जो टेक्सचर है पाटन पटोला का जो टेक्सचर है वर्ल्ड में आपको कहीं भी उसका ऐसा टेक्सचर नहीं मिलेगा ओनली इन पाटन पटोला दूसरी बात इसके बाद उसका वॉर्प बनाया जाता है वॉर्प बनाने में जिसके जो पहले सबसे पहले हम जो डिज़ाइन है वो ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में जो डिज़ाइन बनती है ट्रेडिशनल डिज़ाइन या जो भी कुछ तो इसी हिसाब से हम उसका मार्कअप करते हैं मान लो कि 40 यूनिट है 60 यूनिट है 55 यूनिट है 30 यूनिट है उसी हिसाब से हम उसका मार्किंग पेपर पे करते हैं पेपर पे डिज़ाइन तैयार होने के बाद उसको वो डिज़ाइन पूरी थ्रेड पे ट्रांसफ़र करते हैं टाई प्रोसेस से तो जो वॉर्प बनाया वॉर्प में मान लो कि साड़ी में बॉर्डर की डिज़ाइन है वो अलग बनेगी मिडल डिज़ाइन अलग बनेगी पल्लों में डिज़ाइन अलग बनेगी यान तैयार होने के बाद डिज़ाइन जो हमने पेपर पे बनाई है वो डिज़ाइन धागे से बांध के उसके पे ट्रांसफ़र करते हैं अभी जो धागा बांधने का जो तरीका होता है उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवलिंग करना पड़ता है लेवलिंग करने के बाद उसके पे डिज़ाइन टाई करते हैं तो जो टाई करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले टाई किया है उसमें वाइट येलो इंडिगो या जो भी कलर है वो सब पार्ट बांधा जाता है टाई किया जाता है बाकी जो खुला पोर्शन है सबसे पहले रेड कलर होता है अभी रेड कलर जो है वो पूरा आर्टिकल जो है वो रेड कलर के अंदर कलर किया जाता है तो पार्ट जो खुला पार्ट है वो रेड कलर हो गया बाकी रेड कलर बांध देते हैं फिर जो पोर्शन येलो करना है वो नोट्स खोल देते हैं अंदर से वाइट निकलता है फिर उसको पे येलो कलर होता है इसी तरह से जितना कलर है जितना डिज़ाइन है उसको बांध छोड़ करके पूरा कलर डिज़ाइन कंप्लीट करता है इसके बाद उसी हिसाब से वेफ्ट बनाते हैं तो जो कलर जहाँ है साड़ी के शुरू में जो डिज़ाइन है वो कलर के और जो डिज़ाइन है उसके साथ
आना ही मांगता है उसी हिसाब से हम बांधते हैं। तो डिज़ाइन वॉर्प एंड वेब जो बनाने का टाइम जाता है तो कम से कम उसको 8 से 10 महीना लग जाता है। इसके बाद जो पूरा वॉर्प है उसको सेटिंग करना पड़ता है वीविंग के हिसाब से। सेटिंग करने के लिए ओपन टू स्काई में उसको लंबा करना पड़ता है, डिज़ाइन सेट करते हैं, सेट करने के बाद उसको बॉर्डर में लगाते हैं, बॉर्डर लगाने के बाद पूरा बीम तैयार हो जाता है, फिर उसको वीविंग पे चले जाते हैं। The Patan Patola is perhaps one of the toughest textiles to make, and that makes it priceless and rare. No wonder that for centuries these silks were prized and even considered holy across Southeast Asia.